उसके बाद आपने जाना है अपने मोबाइल के फाइल मैनेजर के अंदर ये फ़ाइल मैनेजर है अगर नहीं है तो आप डाउनलोड कर लें ये फाइल वाला जो ऑप्शन है इसके अंदर ये ऑप्शन नहीं आएगा जो मैं बताने वाला हूँ ये ऑप्शन सिर्फ ये फ़ाइल मैनेजर वाली जो फ़ाइल है इसके अंदर आएगा आपने इसको ओपन कर लेना है यहाँ से आपने ये फ़ोन स्टोरेज इसको ओपन कर लेना है यहाँ से जाना है डाउनलोड के अंदर यहाँ पे हमने नीचे जो हमने डाउनलोड किया है क्रैंक्स फोट उसको ढूँढना है कि वो कहाँ पर है ये मैंने बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड की हुई हैं तो इस वजह से वो नीचे आएगा यहाँ पर हम करें फ़ॉन्ट को ढूँढ लेते हैं ये ये करेंक्स फ़ॉन्ट आया हुआ है ये यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट कर लेना है उसके बाद हमने ये ऑप्शन में जाना है और यहाँ से हमने इसको अनकम्प्रेस कर देना है अनकम्प्रेस ये वाला जो ऑप्शन है हमने यहाँ पर इसको अनकम्प्रेस कर देना है उसके बाद हम जाएंगे ये ए वाले ऑप्शन में यहाँ से हम जाएंगे फोंट में ये फोन वाले ऑप्शन में आएंगे हम ये वाला जो ऑप्शन है हमारा ये फोट वाला इस फॉन्ट वाले ऑप्शन में हम आएंगे यहाँ से हम आएंगे ये माई फोट वाले ऑप्शन में ये वाला जो ऑप्शन है ये माई फोट वाले ऑप्शन में आएंगे यहाँ से हम ये जो प्लस का निशान ऊपर बना हुआ है ये छोटा सा यहाँ हम इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में ये डाउनलोड वाला ये जो फ़ोल्डर बना हुआ है हम इसमें जाएंगे उसके बाद हमने जो फॉन्ट वहाँ से अनकम्प्रेस किया था वो यहाँ पर आएगा तो हम उसको ले लेंगे यहाँ से हम ले लेंगे ये रहा ये क्रैंक्स फॉन्ट यहाँ पर आया हुआ है ये वाला हम इसको यहाँ से सिलेक्ट ओके करेंगे और इसको यहाँ से हम दोनों इसको सिलेक्ट कर देंगे सिलेक्ट करने के बाद ये नीचे ऐड टू सेलेक्ट लिखा हुआ है ऐड सिलेक्टेड हम इसको ओके कर देंगे अब हमारा फ़ॉन्ट यहाँ पर आ चुका होगा ये देखें ये क्रेंक्स रेगुलर पर्सनल ये नीचे ये आया हुआ है हमारा फॉन्ट अब हम इसको यहाँ से ओके कर देंगे तो ये देखें ये फॉन्ट हमारा पिग्जल लैब के अंदर आ गया किसी भी फ़ॉन्ट को पिगजल लैब के अंदर इंस्टॉल करने का ऐड करने का यही तरीका है आप कोई भी फ़ोन डाउनलोड कर लें उर्दू फ़ॉन्ट डाउनलोड कर लें चाहे इंग्लिश फ़ॉन्ट डाउनलोड कर लें उसका यही तरीक़ा है उसको इसी तरीके से जो है हम लैब के अंदर ऐड कर सकते हैं